रुकावटें तोड़ कर आए। जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है उनकी कुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें, और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। चाहे कुछ भी हो, मुल्तान में जलसा हर सूरत होकर रहेगा। पीडीएम रहनुमा डट गए, मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को ललकार। बोले, जलसा रोका तो पाकिस्तान का हर जिला जलसा गाह बन जाएगा। कारकुनान को रुकावटें तोड़कर जलसा गाह पहुँचने और डंडे के मुकाबले में डंडा उठाने की हिदायत। राना सनाउल्ला ने कहा, मरियम रुकावटें तोड़कर आएंगी। सब कल जो है वो मुल्तान का रुख करेंगे। इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह ताला आप हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन का जलसा रोकने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। कासिम बाग स्टेडियम के रास्तों पर पुलिस के ताजा दम दस्ते तैनात। आंसू गैस के शैल और रबड़ की गोलियों का स्टॉक भी कला कोना कासिम बाग पहुंचा दिया गया। मुल्तान के घंटा घर पर नून लीग की रैली पर लाठीचार्ज। मुतादिद लीगी कारकुनान गिरफ्तार। राना सनाउल्ला बच निकले। मरियम नवाज की जलसे में शिरकत यकीनी बनाने के लिए नून लीग ने हिकमत अमली तैयार कर ली। मोटरवे बंद की गई तो जीटी रोड से जाएंगे। दोनों रास्ते बंद होने पर फजाई सफर का ऑप्शन जेरे गौर। आसिफा भुट्टो भी पहली बार सियासी मैदान में एंट्री देंगी। खसूसी तैयारी से मुल्तान जाएंगी। फजाई सफर की इजाजत न मिलने पर बजरिया सड़क पहुँचेंगी। अपोजिशन कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का फिर सियासी हरीफों को दो टोक पैगाम। कहा, अपोजिशन का वाहिद मकसद लूटी हुई दौलत और करप्शन को बचाना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी को रियासती रेट चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं ये परजंदी जरदारी से कहता हूँ कि खुद तो क्वारंटीन हो गए, लोगों को कह रहे हो कि आप बाहर निकलो, आप खुद मफरूर लंदन में और लोगों को कह रहे हैं कि आपको बचाने के लिए वो सड़कों पे निकल आए। आप आवाम की जानों के ऊपर सियासत करते हैं। बिलावल क्वारंटीना में, नवाज शरीफ और बेटे मफरूर, मगर ये लोग जाती मफाद के लिए आम शहरियों को मरवाना चाहते हैं। मुराद सईद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम के एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जलसों से हुकूमत तो नहीं जाएगी मगर कोरोना घर घर फैलेगा। नैब ने मुझे अक्यूज किया है, मुझे कहा है कि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन की है। आईओ साहब जो है मुदसर फोन करता है लोगों को, मेरे भाई को फोन करता है, मेरे साथ प्ली बार्गेन कर ले नहीं तो हम आपके पीछे भी आएंगे। जो इन्होंने इंटरोगेशन मेरी की, मैं डिमांड करता हूं चेयरमैन नैब से कि उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज करें। नैब धमकियां देता है, प्ली बार्गेन कर लो। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का बड़ा इल्जाम। बोले, सेनेट ऑफ पाकिस्तान धमकियों की जद में है। सेनेटर्स और एमएनएस को टारगेट किया जा रहा है। नैब ने मुझ पर बेनामी ट्रांजैक्शंस का इल्जाम लगाया। सेनेट कमेटी में तहकीकात का ऐलान। चेयरमैन नैब का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस। नैब रावलपिंडी को सलीम मांडवी वाला के खिलाफ कार्रवाई से ताहुक्मे सानी रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और सियासी और अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। इमरान खान ने इजलास की सदारत की। मुल्की इदारे कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन पर वाज़े कर दिया, आम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का आज़्म। पंजाब के 9 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 26, रावलपिंडी के 15 और मुल्तान के 7 इलाके शामिल। हैदराबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 250 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। सखर में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया, 5 साथी फरार। SSP सखर के मुताबिक हलाक डाकू संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। सर पर 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। जहानिया में थाना टिब्बा सुल्तान की हदूद में शादी की तकरीब के दौरान नौजवानों की हवाई फायरिंग। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस ने दुल्हा समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।